तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर न्यू चैनल मिस्टर सैम फैक्ट। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस के बारे में, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, एंड आफ्टर सिलेक्शन आपको सेवन पे कमीशन के बाद इसमें कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, क्या सैलरी मिलेगी, सीटी के हिसाब से मिलती है या फिर क्या है, तो सब कुछ आपको पता चलने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट 10th पास है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म को, 10th वाले। ओके, चलिए ये हो गया। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एज की। तो एज जो है यहाँ पे 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हो एज लिखा हुआ है 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही इस बार जो इसमें वैकेंसी निकलती थी हवलदार की, तो उसमें 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज की बात करते हैं तो आपको 3 ईयर छूट मिल जाएगा यदि आप ओबीसी हो, एंड एससी एसटी हो तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिल जाता है इसमें। हैंडीकैप हो तो आपको 10 ईयर्स का छूट मिल जाता है, ओबीसी में हो तो 13 ईयर्स का छूट मिल जाता है, और एससी एसटी हो तो 15 ईयर्स का छूट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये हो गया। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता दिए, क्लास 10th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और ये हो गया। एंड उसके बाद और भी इसमें काफ़ी सारी है, तो जैसे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो सिंपली आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट चेक डिटेल। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले तो आपका पेपर होगा सीबीटी एग्जामिनेशन। सबसे पहला आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है एमटीएस पेपर 1। दूसरा आपका जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। एंड थर्ड आपका जो होता है वो है लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चंस होगा, 100 नंबर का होगा, ये आप सभी को मालूम है यदि आपने दिया होगा एग्जामिनेशन तो देखा होगा, जिसमें कि 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव है। यदि आप गलत करते हो तो आपका 0.25%, मतलब 4 क्वेश्चन पे एक नंबर आपका काटा जाता है। 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, एंड 25 क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर्स के, यहाँ पे पूछे जाते हैं। वही बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में आपका शॉर्ट एसे, लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड क्लास 8, मतलब आपके पास चूजिंग होगा कि आप हिंदी में देना चाहोगे कि इंग्लिश में देना चाहोगे। तो 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 25-25 आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ये हो गया। एंड उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब जब आप क्रॉस कर लेते हो तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, ये आधार मांगा जाता है, या फिर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में किसी भी एक आपके पास आईडी कार्ड है तो ये लगता है। आपका क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है यदि आपके पास तो वो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपके पास सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, सभी को जो भी काम करते हैं सैलरी के लिए ही करते हैं। तो 2022 में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है ये भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एमटीएस की जो बेसिक पे है वो ग्रेड पे है 1800 यहाँ पे ग्रेड पे है, आप सभी का देख सकते हो यहाँ पे 1800 ग्रेड पे है, जो कि आपको 18000 से लेकर यहाँ पे 22000 तक सैलरी मिलती है। पे बैंड 1 में देख सकते हो 5200 से 20200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। एंड बात करते हैं इसमें जो 7 पे कमीशन है, लेकिन ये जो एमटीएस की जॉब है आपको सिटी वाइज मिलती है अलग अलग। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड सिटी यहाँ पे दे रखा है, तो इस हिसाब से बेसिक पे आपके 18000 है। एचआरए आपको जो है X1 जो है एक्स सिटी में आपको 4320 रुपये मिलती है, वाई मिलती है 2880 रुपये, एंड जेड मिलती है 1440 रुपये। डीए आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है, टीए मिलता है 1350 रुपये में, 900 रुपये मिलता है वाई सिटी में, एंड जेड सिटी में भी आपको 900 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ सैलरी आपकी कितनी हो जाती है सब मिलाकर। तो ग्रोथ सैलरी आपकी एक्स ग्रुप में 23670 रुपये, 21780 रुपये मिल जाती है, वाई ग्रुप में एंड जेड ग्रुप में मिल जाती है 20340 रुपये। साथ ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे मिल जाती है, एनपीएस 1800 रुपये कटती है, सीजीएस कटती है 125 रुपये, और यहाँ पे 1500 रुपये ये मिलती है। टोटल डिडक्शन हो जाती है आपकी 3425 रुपये डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। एक्स ग्रुप में 20245 रुपये, वाई ग्रुप में 18355 रुपये, जेड सिटी में आपको 16915 रुपये। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। एंड साथ ही यहाँ पे पर्क्स एंड बेनिफिट भी आपको मिल जाती है, जैसे कि पेंशन मिल जाती है आपको, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है, मेडिकल बेनिफिट भी आपको एसएससी एमटीएस में दी जाती है।
एंड साथ ही जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको जॉब प्रोफाइल यहाँ पे क्या होने वाली है। तो जॉब प्रोफाइल सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिजिकल मेंटेनेंस आपको रिकॉर्ड सेक्शन में किया जाता है, हेल्पिंग ऑफ ऑपरेशंस किया जाता है, कोरियर डिलीवरी आउट साइड ऑफ बिल्डिंग किया जाता है, वर्क रिलेटेड ITI क्वालिफिकेशन ये सब मतलब कैरिंग फाइल्स, फोटोकॉपी सेंडिंग, फैक्स, ड्राइविंग व्हीकल्स, प्रोसेस, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब मतलब आपका यहाँ पे काम होता है। क्लीनिंग रूम्स, क्लीनिंग वॉच ड्यूटी एंड यहाँ पे क्लीनिंग बिल्डिंग्स मतलब ये सब आपका MTS वाले काम यहाँ पे होती है। प्रमोशंस की बात कर लेते हैं तो प्रमोशंस देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ सर्विस फर्स्ट प्रमोशन 1900 रुपया हो जाता है, आपका सैलरी बढ़ जाता है। सेकेंड प्रमोशन 2000 बढ़ जाता है एंड 5 ईयर्स के बाद आपका 2400 रुपया बढ़ जाता है एंड फाइनल प्रमोशन के बाद आपका कंटिन्यू पे 5400 रुपया पे आ जाता है। तो ये सब हो गया एंड कैरियर ग्रोथ भी इसमें SSC MTS के बाद LDC में आप हो जाता है आपका सिलेक्शन एंड उसके बाद LDC के बाद आप UDC बन सकते हो। तो ये सब इसमें कैरियर ग्रोथ है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।